हाँ जी, सर्कुलर मोशन के सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल, अ ट्यूब ऑफ लेंथ एल इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास एम एंड क्लोज्ड एट बोथ एंड्स। एक ट्यूब है एल लेंथ की, जिसके अंदर एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फिल किया गया है और उसका मास है एम, और फिर बोला गया द ट्यूब इज देन रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। मिनट बेटा बताओ, अलग-अलग है। एक ट्यूब है जिसके अंदर एक लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड एम मास का फिल्ड है, इसकी लेंथ एल है, ये कांस्टेंट ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड विल बी, जो लिक्विड फोर्स लगाएगा इस एंड पे वो कितनी होगी। सवाल रिपीट कर रहा हूं, अच्छा सवाल है। एक ट्यूब के अंदर आपने एल लेंथ की ट्यूब है, एम मास का इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फील्ड है इसके अंदर, और इस ट्यूब को आप इस एक्सिस के राउंड रोटेट कराएंगे विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो बोल रहा है ये लिक्विड उस ट्यूब के लास्ट वाले एंड पर कितना फोर्स लगाएगा, ये निकालना है आपको। सवाल समझ में आया? अब ये मान सकते हैं कि अगर ये इनकम्प्रेसिबल है और पूरा पूरी ट्यूब भरी हुई है, तो पूरी ट्यूब का मास यहां पर कंसंट्रेटेड है, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो आप इसका अल्टरनेटिव डायग्राम ये बना सकते हैं। कि यहां पे एक एम मास जिसका डिस्टेंस एल बाय टू हो गया है, क्योंकि पूरी लेंथ एल है तो ये एल बाय टू रहेगा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, ये घूम रहा है एक सर्कल में। अगर इस सर्कल में घूम रहा है तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? सेंट्रीपेटल फोर्स एफ इक्वल टू एम आर, देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम आर, आर कितना है एल बाय टू, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये फोर्स हो गई। अब ये तो आपकी एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर चाहिए, बट रियल एग्जिस्टिंग फोर्स कौन सी है जो उस बॉडी को मूव करा रही है? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? बताएं कौन सी फोर्स है जो उसको मूव करा रही है सर्कल। टेंशन किसकी? देखें, अगर ये पीछे वाला ट्यूब का पीछे वाला ढक्कन मैं खोल दूं, एक पानी है ट्यूब में और पीछे वाला ढक्कन खोल दूं, तो जब घूमेगा तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। उस पानी को होल्ड कौन कर रहा है? इसका लास्ट वाला कॉर्नर है ना, वो फोर्स लगा रहा होगा सेंटर की तरफ, है ना, लास्ट वाला एंड। तो इसके ऊपर इतनी फोर्स ये वाला सरफेस लगा रहा होगा। तो सवाल क्या पूछा है, लिक्विड उस एंड पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा? तो मैग्नीट्यूड वाइज उतनी ही लगा रहा होगा। बात समझ में आई? तो आपका आंसर एम एल बाय टू ओमेगा स्क्वायर आंसर। आगे बढ़ते हैं, लिखना है एल बाई टू कैसे हो गया? ये पूरा मास यहां पर कंसंट्रेटेड मान सकता हूं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो यहां पे मास एम रख दिया, डिस्टेंस एल बाई टू हो गया, वो रोटेट कर रहा है आपका। फोर्स कौन लगाएगा? ये लास्ट वाला जो एंड है वो अंदर की तरफ लगाएगा। हाँ जी, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर एंड एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, दो फॉर्मूला। आगे बढ़े, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रोलर कोस्टर इज डिजाइंड सच दैट अ राइडर एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एज दे गो अराउंड द टॉप ऑफ अ हिल। एक रोलर कोस्टर राइड है इस तरीके से, यहां पे वो झूला या जो भी वो गाड़ी होगी वो जाएगी। वो बोल रहा है कि जब वो टॉप ऑफ द हिल पे है तब वो वेटलेसनेस फील करता है।
ठीक है, पूरा सवाल समझ ले। अ रोलर कोस्टर इज डिजाइंड सच दैट राइडर एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एज दे गो अराउंड द टॉप ऑफ द हिल, यहां पर वेटलेसनेस फील करता है। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 मीटर, जो यहां पे आपका कर्वेचर बन रहा है, यहां पे जो है आपका ये जिस सर्कल का ये पार्ट होगा उसका रेडियस कितना है 20, ये 20 मीटर है, ठीक है। और बोला गया है द स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ द हिल विल बी व्हाट, ये वी निकालनी है आपको। इसके लिए पहले समझ लें वेटलेसनेस क्या होता है, पता है क्या होता है आपको, पता होता व्हाट इज वेटलेसनेस, वेटलेस देखते हैं एक बार। अगर लेट से ग्राउंड पे ये वेट मशीन रखी है तो इस वेट मशीन के ऊपर रीडिंग कितनी आएगी, एम जी के बराबर आएगी ना, नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल आती है वो, और एन इक्वल टू एम जी यहाँ पे, तो इसके ऊपर रीडिंग की मशीन की रीडिंग आएगी एन इक्वल टू एम जी। अब यदि हवा में इस व्यक्ति को और नीचे इसकी वेट मशीन लगी हुई थी, दोनों को एक आदमी को पकड़ा, वेट मशीन लगाई, दोनों को एक साथ छोड़ दिया, तो वेट मशीन पे कोई रीडिंग आएगी नहीं आएगी, हाँ नहीं, लिफ्ट वाला केस नहीं ये, हाँ ये फ्री फॉल है, फ्री फॉल जब भी होगा तो पर्सन विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, क्योंकि जो भी उसको चीज कॉन्टेक्ट में होगी वो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही होगी, उसके अंदर रीडिंग नहीं आएगी, तो फ्री फॉल मीन्स वेटलेसनेस, क्लियर है। अब यहां पर फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन जीरो रहेगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो रहेगा तो एक फोर्स फिर भी लग रहा होगा, कौन सा, mg, mg फोर्स है, वेलोसिटी v आपको निकालनी है, रेडियस आपके पास 20 है, लगाएं फॉर्मूला, f इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, f इज हियर mg एंड इट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, m गया, v इज gr का रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा, g की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, रूट 200 आ जाएगा। हाँ जी को 10 पुट कर दें और ऑप्शंस को छोड़ दे रखे हो तो फिर आप अलग तरीके से पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड, द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द कॉइल रिवॉल्व्स विद ग्रामोफोन, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। ग्रामोफोन आपने वो देखा होगा मूवीज में, एक ऐसे वो डिस्क होती है ना गाने बजाने की ना, उसको ऑन करते हैं वो ऐसे फिर घूमती है ना, तो ग्रामोफोन वो है आपका बेसिकली, तो ये डिस्क है एक, और इस डिस्क, ये डिस्क अपनी एक्सिस के अराउंड ओमेगा कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रही है, और ये आपका ऐसे यहाँ पे सरफेस है, ये बोल रहा है कि एक सिक्का रखा गया है यहां से आर डिस्टेंस पे, मैं अगर इसको बाहर ले जाता हूं सिक्के को, आर को बढ़ाता हूं, तो कितने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर पे रखूं कि वो उसके साथ साथ घूमता रहे, ये निकालना आपको। दोबारा रिपीट करूं, ग्रामोफोन घूम रहा है कॉन्स्टेंट ओमेगा से और सिक्का आर डिस्टेंस पे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर ताकि वो उसके साथ साथ घूमता रहे, ठीक है, अगर साथ साथ घूम रहा है तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी, फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे सिक्के और इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। अब सिर्फ आप मान लेंगी आर डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम है, तो सिर्फ आप कॉइन पे फोकस करेंगे तो कॉइन आपका सर्कल में मूव कर रहा है, अगर कोई भी चीज सर्कल में मूव करेगी तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा, वो कौन लगा रहा होगा, हाँ जी फ्रिक्शन लगा रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास ऑफ कॉइन इज कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो आपको फ्रिक्शन फोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी,
है ना, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी लेकिन इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है म्यू जी, म्यू एम जी। तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एम जी, और वो बराबर हो जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर के, एम कटेगा और आर विल बी इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। ये आपके आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई आर की जब वो साथ में घूमेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 1000 केजी, कार का मास 1000 केजी है, नेगोशिएट्स अ बैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड एंड एंगल ऑफ बैंकिंग इज 45। आपका बैंक्ड स्मूथ रोड है, और एंगल ऑफ द इंक्लाइंड रोड इज 45 डिग्री। आपको निकालना है स्पीड ऑफ कार कितनी होगी। कितना है 30, फॉर्मूला क्या बनता है इस केस में? आपका डायरेक्टली रूट आर जी टेन थीटा फॉर्मूला बन जाता है। वैल्यूज पुट करेंगे, आर पता है क्या? आर गिवन था इस क्वेश्चन में, आर इज 90 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। कहां से आया ये फॉर्मूला? पहले जनरल फॉर्मूला लिखा है उसको ही आपने स्पेशल बना लिया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार ऑफ मास एम मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। कार का मास एम है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर है और वो लेवल्ड है, इसका मतलब थीटा जीरो है। थीटा जीरो है तो आप बोलेंगे क्या है ये? अनबैंक्ड रफ रोड, रफ सरफेस, ठीक है। और फिर बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन सर्कुलर मोशन विल बी, हाँ जी, वी मैक्स कितनी होगी? रूट म्यू वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब आपको उसमें दे रखा है, म्यू आर और जी, वी मैक्स आ गया। तो फॉर्मूलों का सीधा एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, शायद थोड़ा सा अप्लाइड हो। हाँ जी, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, मास कितना है 10 ग्राम है, मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। रेडियस इज 6.4 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपकी एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 8×10⁻⁴ जूल बाय द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। दो रिवॉल्यूशन पूरे हो गए हैं तो थीटा कितना हो जाएगा? अगर दो रिवॉल्यूशन पूरे हो गए हैं तो थीटा विल बी 4π, बोलो यार, थीटा इज 4π रेडियन, ठीक है, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। निकालना है क्या आपको? ये निकालनी है। सुन ले क्या हुआ है, कोई m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कल में मूव करेगा, उसका मास गिवन है, रेडियस गिवन है और कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। दो चक्कर काटने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है, तो पूछा गया है कि आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी।
अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ट्राई करना चाहेंगे? देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या इस सर्कुलर मोशन को मैं इक्विवेलेंट टू स्ट्रेट लाइन का मोशन मान लूं? यहां से वो स्पीड जीरो से शुरू हुआ है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2πr, 4πr, तो 4πr उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इतने टाइम बाद यहां पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो आप काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं वेलोसिटी, है ना, या पहले यहां पे v निकाल लें, उससे ही बात बन जाएगी। चेक करते हैं एक बार, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, फाइनल इज v, तो मैं लगा सकता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as v स्क्वायर 2a 4πr, और काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो दोनों साइड आप मास से मल्टीप्लाई कर लें, हाफ m मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड भी हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका होगा काइनेटिक एनर्जी। निकालना क्या आपको, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वहीं पे रहने दो, ये वाला टर्म यहां नीचे ले आओ, a विल बी k बाय 4 पाई आर एम, काइनेटिक एनर्जी गिवन आर गिवन एम गिवन, सब पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, क्या करें यहां पे, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है एक तरीके से कि जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो आप उसको खोल के स्ट्रेट लाइन का मोशन मान सकते हैं क्योंकि उसको वो लगातार एक्सेलरेट कर रहा है टेंजेंशियली, तो आप स्ट्रेट लाइन और इसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं। डन, ये आपका है टैब, कितने का है ये? अच्छा बहुत पुराना है। राइटिंग पैड कैसा है ये? राइटिंग पैड नहीं है, अच्छा रख दे। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू विद विच द बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r so that it can complete the loop। ये एक वर्टिकल लूप है और इसका रेडियस r है, एक बॉडी कितनी स्पीड से एंटर करे इस लूप के अंदर कि वो सर्कल जस्ट कंप्लीट कर जाए, बताओ। 2.5 GR, देखिए वीडियो आप, गुड, मेरी देखे हैं ना, 5 GR, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट भी आपका शायद डेरिवेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी हमने डिराइव किया था। क्वेश्चन नंबर 9 इज गुड, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, रेडियस उसका जो आर है वो दे रखा है 2.5 meter, और इस मोमेंट पे वो लेट्स से यहां पर है, इसकी जो नेट वेलोसिटी है पार्टिकल की, नेट एक्सेलरेशन सॉरी, वो इस साइड दे रखी है और ये एंगल आपका 30 degree है, वेलोसिटी आपकी ऐसे है इस मोमेंट पे, बट जो नेट एक्सेलरेशन है वो इस साइड है, ए नेट, ठीक है। और फिर पूछा गया है इस मोमेंट पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी यदि ए नेट इज 15 meter
पर सेकंड स्क्वायर फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस मोमेंट। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं है, है नहीं है, क्यों नहीं है, किसने बताया कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है? हाँ, वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन सिर्फ सेंटर की तरफ हो तभी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है। यहां पे सेंटर की तरफ नहीं है, इसका मतलब ए टी बी है, ए टी बी है। तो क्या मुझे इस एक्सेलरेशन का मैं ये वाला कंपोनेंट निकाल सकता हूं सेंटर की तरफ वाला? इट विल बी ए कॉस थीटा 15 कॉस 30 डिग्री इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। इसको आप पुट कर दो 15 रूट 3 बाय 2। वी निकालना है, आर कितना है, आर इज 2.5। इसको सोल्व कर लें, मुश्किल है तो कैलकुलेटर से कर लें। आंसर बता देता हूं आपको, आंसर है 5.7 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना जी? अच्छा, उसका यस कह रहे थे आप। डन। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इंक्लाइन प्लेन है ये, ऐसे करके सर्कुलर ट्रैक है पूरा। यहां पे ये हाइट h है, जहां से एक मास को रिलीज किया जाएगा। डायमीटर जो गिवन है ये वाला, वो d है। सवाल सुन लें, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्लाइडिंग अलोंग द फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम द हाइट h एंड जस्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर d, हाइट विल बी इक्वल टू h विल बी इक्वल टू व्हाट? एक h हाइट से इस फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन से पार्टिकल को छोड़ा जाता है और वो जस्ट सर्कल को कंप्लीट करता है। तो आपको बताना है h कितना होगा इन टर्म्स ऑफ d। हाँ जी, यहां लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? आपका फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, वो होता तो डिसिपेटिव फोर्स होता। फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, सिर्फ ये आपका नॉर्मल रिएक्शन के कारण और ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है। ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव एंड नॉर्मल का वर्क डन जीरो होता है। तो यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। यहां पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी घट के किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन बोल रखा है कि पार्टिकल जस्ट कंप्लीट करता है सर्कल को, तो मुझे पता है अगर जस्ट कंप्लीट करता है तो यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? रूट फाइव जी आर, रूट फाइव जी। और आर रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो डी बाई टू कर दूं। हाँ जी, हाँ स्क्वायर आएगा इसका, ये रूट हटा दें क्योंकि वी स्क्वायर आना है, ये हटा दें तो आपका ये एम तो कट जाएगा, जी भी कट जाएगा, एच इक्वल टू हाफ बेसिकली 5d/4। ये आपकी एच की वैल्यू रहेगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। एक सिलेंडर है आपका और 10 kg मास इज इन कॉन्टेक्ट विद द इनर वॉल ऑफ द होलो सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 मीटर। इसका जो रेडियस है आर
वो 1 मीटर है, उसके बाद क्या बोला गया है, एक 10 केजी मास कॉन्टेक्ट एक 10 केजी का अंदर वाले सरफेस के कॉन्टेक्ट है, ये होलो है आपका, एक ड्रम टाइप है, अंदर से होलो है, और द ब्लॉक द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द इनर, इस वॉल और इस ब्लॉक के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो है 0.1। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। देखो सुनो सवाल ध्यान से, एक बार, एक ड्रम है, ड्रम को रोटेट करेंगे एक ओमेगा से, और ये जो बॉक्स है ये वहां पे किसी चीज से अटैच नहीं कर रखा है, आपने जस्ट उसको टच कराया है, कोई स्क्रू कुछ भी आपने वो नहीं किया, ना कोई ग्लू लगाया है। अगर आपका ड्रम स्टेशनरी रहेगा तो डेफिनेटली वो नीचे गिरेगा, है ना। अगर मैं ड्रम को घुमाऊं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो जो ब्लॉक है वो नीचे ना गिरे? नहीं, बस पॉसिबल है, पक्का गिरेगा? आप कौन कौन इंस्टाग्राम यूज करता है? कोई नहीं करता, तो शायद ये दिक्कत है, आप करते हैं। बहुत सारी वीडियोस आती हैं ऐसी सर्कुलर मोशन की, फॉर एग्जांपल एक तो आती है कि एक फट्टा होता है, फट्टे के ऊपर एक पानी का ग्लास रखते हैं, है ना, और कुछ अटैच नहीं किया उसके साथ, है ना, और ऊपर 4 ऐसे डोरी बांधी और उसको ऐसे करके ऐसे 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 करते हैं, गिरता नहीं है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस फट्टे को ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे ना, अगर अप्रोप्रिएट स्पीड रहेगी ओमेगा तो वो गिरेगा नहीं, है ना। तो यहाँ भी वही केस है, आपका अंदर ये ड्रम होलो है, यहाँ पे आपने एक ब्लॉक को जस्ट टच कराया है और उसको घुमा दिया है, अगर वो ओमेगा सफिशिएंट है तो वो गिरेगा नहीं। अब आपको दिमाग लगाना है कि वो गिरा क्यों नहीं, कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है उसको। नीचे तो डेफिनेटली एमजी लग रहा होगा, एक बात तो ये, और सवाल में निकालना क्या है कि इस ओमेगा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि ये ब्लॉक गिरे ना, है ना, कितनी कम से कम ओमेगा से आप घुमाओगे? बहुत स्लो घुमाओगे तो गिरेगा, तेज घुमाना पड़ेगा, तो कम से कम कितना कितनी स्पीड से घुमाना पड़ेगा? तो दिमाग लगाओ कि कौन सा फोर्स उसको रोक रहा होगा, ऊपर की तरफ कौन सा लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो फिर गिर जाता नहीं, चलता साथ में, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? जब सरफेस के अंदर नॉर्मल रिएक्शन हो, है ना। तो यहां पे पहली बात तो लगेगा ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स जब आता है जब आपका नॉर्मल रिएक्शन लगे। अब नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा होगा उसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर? नीचे वाला सरफेस, ऐसे नीचे सरफेस है कोई? ये वाला सरफेस, तो ऐसे लगाएगा तो फिर आपने ऐसे सरफेस ऐसे कैसे? ये वाला सरफेस जो है वर्टिकल सरफेस ऐसे लगेगा ना बेटा। अगर फॉर एग्जांपल इसका आप दीवार के सहारे खड़े हैं और कमरा रोटेट करने लग जाए, तो आप दीवार के आपका आपको पीछे की तरफ धकेला जाएगा, आप कमर पे आपको आगे फोर्स फील होगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा, ओमेगा ओमेगा आते ही आपका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, जब तक ओमेगा नहीं था तब तक नॉर्मल रिएक्शन नहीं था, और नॉर्मल रिएक्शन आते ही फ्रिक्शन फोर्स आ गया, और जैसे जैसे एन बढ़ेगा इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। एन कैसे बढ़ेगा? ओमेगा बढ़ने से। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स को जो सर्कल में चक्कर कटा रहा है वो एन है, एन इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा बढ़ा तो एन भी बढ़ा, और एन बढ़ा तो ऊपर वाली फोर्स भी बढ़ी, तो ओमेगा बढ़ाने से एन बढ़ा, एन बढ़ाने से एफ बढ़ा, और एफ बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा एक टाइम पे कि एमजी को बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, इक्वेशन बनेगी एन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी म्यू एन इक्वल टू एम जी। क्या यहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी होगी? क्या यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी होगी? नहीं होती है ना, वो तो जब आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे तब होती है। ठीक है,
तो म्यू एन इज एम जी, यहां से आप एन की वैल्यू पुट कर दें तो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी, एम गया और ओमेगा निकालना है हमें, ओमेगा इज जी बाय म्यू आर का अंडर रूट। बहुत ही शानदार सवाल है, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन। हाँ जी वैल्यू पुट कर दें और आंसर निकाल लें। देखो आप पहले देखो, अगर पार्टिकल फास्ट रोटेट करेगा तो ओमेगा ज्यादा है, ओमेगा ज्यादा है तो मास ऑफ पार्टिकल एंड रेडियस इज कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही है। ओमेगा बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ना पड़ेगा, अगर नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू म्यू एन होती है तो बढ़ जाएगी। ओमेगा बढ़ा तो एन बढ़ा, एन बढ़ने से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा, बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन इतना हो गया कि वो एम जी को बैलेंस कर पाए, वहां पे आप बता देंगे ये मिनिमम ओमेगा है। तो दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द ब्लॉक विल रोटेट विद द ड्रम इटसेल्फ। ठीक आगे बढ़े, कौन लास्ट का सवाल है? हाँ लास्ट सवाल है कि एक मास इज अटैच टू थिन वायर वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट विच पोजिशन। हाँ वैसे घुमाएंगे तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो सर्कुलर मोशन के हमारे सवाल हुए खत्म। थैंक यू वेरी मच।